इटावा पुलिस की अंतर जनपदीय वाहन चोर से हुई मुठभेड़, चोर को पुलिस ने गोली मारकर किया गिरफ्तार। चोर के कब्जे से चोरी की गई 9 मोटरसाइकिलें, 3 फर्जी नंबर प्लेट, 1 जिंदा तथा 1 खोखा कारतूस किया गया बरामद। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में एसओजी सर्विलांस टीम बाद थाना सिविल लाइन बसरियार पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई। आपको बता दें, पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने खंडर बिल्डिंग में दबिश दी तो वहां पर मौजूद व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त व्यक्ति के पांव में गोली लगी है। ग्वालियर बाईपास स्थित रामवीर तिवारी को खंडर बिल्डिंग से समय 4:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधी के खिलाफ अलग अलग थानों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। वही मामले का खुलासा करते हुए इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। देखिए, सुखबीर नाम का बदमाश अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है, और सुखबीर जो एक एचएस है बैतपुरा थाने का, और इसके 2 साथी हैं। इसमें एक तो उसका सगा साला भी है, एक जो गिरफ्तार किया गया है, जो कि जैतपुरा थाना जनपद आगरा का निवासी है। दोनों, एक उसका साला है, उसका एक परिचित है, वो भी वहीं रहने वाला, लेकिन भिंड में काम करते हैं लोग। लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है सुखबीर, जो गिरफ्तार किया गया है, एक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया उसे। एक यहाँ पर आप देखते होंगे कि ग्वालियर बाईपास पर एक खंडहर है, वहाँ पर एक छोटा सा घर बना हुआ है, और वहाँ पर ये 7 गाड़ियाँ छुपा के रखा था। और पुलिस को जब टिप ऑफ सूचना मिलती है, तो पुलिस सिविल लाइन पुलिस जनपद इटावा की पुलिस और एसओजी सर्विलांस तथा बसरेहर पुलिस संयुक्त रूप से इसको अभियान चलाती है इसके लिए। तो जब ये पुलिस जाती है तो ये इसके पास तमंचा रहता है, उससे वो पुलिस पर फायर करता है, जिससे पुलिस में अपने बचाव में फायर करती है और इसके दाहिने पैर में गोली लगती है। फिर उसके बाद आवश्यक बल लगाकर पुलिस सुखबीर को गिरफ्तार करती है। इसके पास से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद होता है, तथा 7 गाड़ियां चोरी की बरामद होती हैं, आप समझ सकते हैं। और इसके खिलाफ अब तक 18 मुकदमे वैतपुरा में और तथा जनपद औरैया, आगरा और फिरोजाबाद में अब तक दर्ज हैं। और बेसिकली ये किडनैपिंग, 307 और मोटरसाइकिल चोरी के तमाम मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। इस प्रकार से एक साथी अपराधी है, जिसको पुलिस भिड़ में पुलिस द्वारा जनपद इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तथा इसको विधिसम्मत रूप से जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, टोटल जो अभी तक इसके बारे में जो पूछताछ की गई है, तो कम से कम मैं बोल रहा हूँ, आई रिपीट, कि कम से कम 50 गाड़ियों के बारे में इसने चोरी करने के बारे में स्वीकार किया है, अपने मुंह से ही स्वीकार किया है। इससे पहले भी कई बार इससे बरामदगी वगैरह की जा चुकी है, और ये पुलिस की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, बरामदगी और 419-20-411 नंबर प्लेट बदल देता है, तथा दूधिया वगैरह को अक्सर ये भेज देता है अपने पौने दाम पर गाड़ियों को। इस प्रकार से इसके ही हिसाब से अब तक इसने कम से कम 50 से 60 गाड़ियाँ जो है अब तक बरामद की, चुराई है।